पहले तो खोलती हूँ, तो जैसे दिखता है वैसा है या नहीं पता नहीं। ये मामा अर्थ का हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब। तो दोस्तों, आगे भी मैं आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, और अभी बज गए घड़ी में 8:20। आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया उठने में। बाबा नीचे फैले दिए सो, नीचे फैले दिए सो। तो मेरा बेटा अभी कचरा नीचे फेंकने जा रहा है, मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद उसका वो ड्यूटी है एकदम नीचे। तो दोस्तों, मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है ऊपर का। जैसे मैंने घर बिस्तर को अच्छे से झाड़ लिया है, मच्छरदानी से मिट लिया है, दोनों रूम का झाड़ू लग चुका है, बस पोछा लगाना बाकी है। तो मैं पोछा भी लगा लूंगी, लेकिन कब लगाऊंगी नहीं पता। तो दोस्तों, आज आप लोगों से बातें ना करके मैं नीचे जाऊँ, बहुत लेट हो चुका है और ब्रश करना है, ये सब काम करना है, अभी बेटे को ब्रेकफास्ट कराना है। तो बातें मैं आप लोगों से बाद में करूंगी, क्या क्या काम शेयर करूंगी वो आप लोगों को देखते रहना। तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, अभी बज गए घड़ी में 9:15। और जैसे कि आज मेरा मूड ऑफ सा लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि तबीयत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेके दोस्तों। तो ब्रेकफास्ट में है पूरी, जैम और कुंदरी आलू का फ्राई। तो इतना नाश्ता ब्रेकफास्ट में ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मैं बेटे को खिलाने के लिए पोहा तैयार की, वो नहीं खाया, पूरी तैयार की जैम के साथ, वो भी नहीं खाया। उसे खाना है मैगी नूडल्स, मतलब नूडल वाला मैगी। तो वो जीत कर करके लाइट आ रहा है, वो उसको मतलब खाना है नूडल्स मैगी। तो रोता रहा कि मुझे वही खाना है। तो सहन नहीं कर पाए, फिर उसको फाइनली लेके गए हैं दुकान से, उसके लिए मैगी लेके आएंगे, और वो भी साथ में गया है। तो उसका मैगी आएगा तभी वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। आज अगर उसको पूरा दिन रख दिया जाए तो वही जीत रटता रहेगा, सब 24 घंटे वही रटता रहेगा कि मुझे वही खाना है। तो इसीलिए अभी उसके लिए एक मैगी बना रही है मम्मी, मतलब घर पे मैगी है झूठ मूठ का, बस उसके लिए शो ऑफ के लिए एक मैगी लेके आएंगे और रख देंगे, और मम्मी यहाँ पे तब तक घर में मैगी बना लेगी और मैं खा लूंगी ये वाला ब्रेकफास्ट। उसके बाद काम में हाथ लाऊंगी और 10 बजे मैं नहा लूंगी दोस्तों, और उससे पहले जितना भी काम है मैं कर लूंगी, क्योंकि काम इसीलिए मैं कर लूंगी क्योंकि मेरे को शैम्पू करना है आज जल्दी जल्दी, और लेट से करने से शैम्पू बाल सूखता नहीं है और जिसकी वजह से ठंड लग जाती है। तो मैं इसलिए 10 बजे नहा लूँगी, सोच तो वही रही, और गंदा भी बहुत सारा हो चुका है, मतलब कंघी से पता चल जाता है कि सर गंदा हुआ है या नहीं। और बाहर में थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। तो दोस्तों, मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे भिंडी चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पे पानी उबल रहा है जो मैं पी रही हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मेरा गला का कंडीशन बिल्कुल खराब है और मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ,
क्योंकि आप लोगों से एक दिन भी मिले बिना अच्छा नहीं लगता, सच बात ये है। और यहाँ पे मैं मूंग दाल को रोस्ट करके रखी थी, और यहाँ पे मूंग दाल को हल्दी नमक के साथ प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और एक इसमें एक चीज क्या है, वो है इसमें तेल ऐड किया है मैंने, 1 टीस्पून तेल ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने से मुझे लगता है कि दाल आपस में नहीं चिपकेगा और पूरा गिलगिला नहीं होगा। मूंग का दाल अगर पूरा गिलगिला हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। मूंग का दाल और उड़द का दाल अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा तेल अगर दे दिया जाए 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून तो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं दाल, और दाल फरफर फरफर करेगा, मतलब अच्छा लगेगा खाने में। इसलिए मैंने तेल ऐड कर दिया, बस यही खासियत है अभी इस तेल इस दाल की, मैंने मेरे में स्पेशलिटी ये मिल गया होगा आप लोग को। और यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट उबल रहा है, उबलने के बाद इसमें मैं दाल चढ़ा दूंगी और एक तरफ भिंडी फ्राई होगा, उसके बाद मैं मसाला पीस लूंगी या फिर पर बना लूंगा, सब्जी बना लूंगी। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं भिंडी फ्राई कर ली हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये ना भिंडी फ्राई मेरा। और अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, कढ़ाई का तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा नमक दे दिया है ताकि परवल में अच्छे से मिल जाए वो तेल। और मैं अभी परवल को डाल दूंगी मोटा मोटा करके, आज पापा को परवल खाने का मन है सब्जी के साथ, सब्जी बना के, तो इसको मैं भी फ्राई करने दे दी। और एक तरफ दूध चढ़ा दी, दूध आ गया है फिर दूध चढ़ा दी। तो जब तक ये परवल फ्राई होगा दोस्तों, तब तक मैं मसाला पीस लूंगी। और मैं आज आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोगों को ये डेली डेली में काम क्यों दिखा रही हूँ, कुछ न्यूज ही नहीं दिखा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ काम ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, बस आप लोगों को बता दी कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर रही हूँ और कर रही हूँ, मतलब क्या क्या किया मैंने अभी तक। तो एक अभी आलू काट के रखी हूँ सब्जी के लिए, वहाँ पर अदरक और लहसुन रखा। तो दोस्तों मेरा मूंग दाल पक चुका है पूरा अच्छे से, देख सकते हो। देखो मैंने कहा था ना दाना दाना रहेगा, ये दाना दाना बिल्कुल है। तो मैं मूंग दाल को आज तड़का छौंक लगाऊंगी दोस्तों अदरक और जीरा के साथ, तो इसको खाने में बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मतलब स्वाद आता है। अगर आप अदरक के साथ मूंग दाल का छौंक लगाते हो, मतलब अदरक पीस के जीरा अदरक और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के और छौंक लगाते हो तो दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये मैंने अपने सासू माँ से सीखा है। तो मैं इसको छौंक लगा लूंगी दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो दाल का कलर कितना अच्छा आ गया है। इसको एक दो बार उबलने दूंगी, उसके बाद इसे बंद कर दूंगी फ्लेम को और इसको दूसरे कटोरी में डाल लूंगी। तो आप भी घर पे ऐसा मूंग दाल का तड़का लगा के दाल को बना सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हल्का सा थोड़ा सा चीनी दे देना, इसे दाल का जो स्वाद है वो दोगुना हो जाएगा। तो दोस्तों परवल आलू की सब्जी के लिए मतलब कौसा टाइप का बनाऊंगी, मतलब क्या बताऊँ, सूखा सूखा सब्जी बनाऊंगी। इसलिए मैंने इसमें आज मसाला में ऐड किया है दोस्तों, प्याज को पीस के दिया है। हमेशा मैं प्याज को काट के देती हूँ, लेकिन आज मैं पीस के दिया है प्याज, हल्दी, जीरा, लहसुन, धनिया और अदरक। तो आज परवल आलू को पहले से मैंने भून के रखा है, देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आलू को भी अच्छे से पका लिया है, मतलब रोस्ट कर लिया है। उसके बाद इसे मैं एक एक करके मसाला दे दूंगी इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी दे दूंगी दोस्तों। इस पानी को थोड़ा, तो अगर आप प्याज को पीस के अगर इसे दोगे दोस्तों तो जो ग्रेवी होता है वो गाढ़ा होता है, आप लोगों को पता ही है, मुझसे अच्छा आप लोगों को कुकिंग आता होगा। लेकिन मैं मतलब मैं पहली बार प्याज को पीस के आज सब्जी बना रही हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसका स्मेल जाने के बाद ही इसमें मैं परवल ऐड कर सकती हूँ, अदरवाइज अभी मैं परवल ऐड नहीं करूँगी, नहीं तो वो परवल पहले से ही पका हुआ है और भी ज़्यादा पक जाएगा। तो इस मसाले को मैं भूनने तक वेट करती हूँ, तब फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। एक तरफ मेरा चावल बन रहा है दोस्तों, ऑलमोस्ट चावल बन गया है, इसका मार पसा लूंगी थोड़ी देर बाद, मतलब अभी थोड़ी देर में। और ये सब्जी भी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, परवल आलू का सब्जी। और इसका स्मेल भी चला गया है दोस्तों, मैं इसमें पानी डाल दूंगी कि ऑलमोस्ट
बन जाएगा। हाँ, इसका मसाला का स्मेल चला गया है, मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और पानी डालने के बाद 4-5 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी, क्योंकि ये मतलब पक चुका है। परवल आलू जो है वो मेरा पक चुका है, बस थोड़ा सा इसमें और अच्छे से पकने के लिए थोड़ा सा पानी दूंगी, उसे ढक दूंगी। तो मेरा ऑलमोस्ट खाना बन चुका है दोस्तों। ये परवल आलू का सब्जी, भिंडी फ्राई, फाइनल टच दिखा देती हूँ, और दाल। तो आज हमारे लंच मेन्यू में यही रहेगा दोस्तों। और ज़्यादा बात ना करके मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि लेट हो चुका है और आज मुझे करना है शैम्पू। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, आगे आप लोगों के बीच और हमें बज गया है दोपहर का 12, और 12 बज गया है और मैं नहा भी दी। आप लोगों को देख लग ही रहा होगा मेरा बाल गीला है। तो अभी मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद भी मतलब बहुत कूल कूल सा लग रहा है, मतलब बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। तो गले में दर्द है, फिर भी मैंने नहाया, और मैं जोर से लाउडली आप लोगों के साथ बातें नहीं कर पा रही हूँ। इसका रीज़न बस यही है कि मेरा गले में, मेरा गला खराश हो रहा है और गले में दर्द दे रहा है। तो अभी मैं आ गई हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि मैं छोटा हो या बड़ा हो, मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग कुछ भी चीज़ करती हूँ। मेरा फ्लिपकार्ट से कुछ पार्सल आया है, तो मैं आप चाहिए कि आप लोगों के साथ मैं अनबॉक्सिंग करूँ। तो मैं अभी आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँगी, और आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा पार्सल कैसा लगा। मतलब जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है उसका रिव्यू तो मैं दूंगी आप लोगों को, लेकिन मतलब जो और एक कपड़ा है वो मैंने, आई थिंक कपड़ा ही होगा, मैंने बहुत सारा सामान फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, तो अभी कपड़ा ही मेरे सामने लग रहा है। तो वो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। पहला पार्सल आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। अब पसीना तो मानो बारिश जैसा बह रहा हो, मतलब बारिश जैसा बरस रहा हो। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे वहाँ बारिश हुई, तो मैंने उनको रिप्लाई दिया कि नहीं बारिश तो नहीं हुई। तो वो बोल रहे नहीं मेरे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। तो मैं उनको बोली कि हाँ हमारे इधर भी बारिश हो रही है। तो बोल रहे तू तो बोली अभी बारिश नहीं हो रही है। तो मैं बोली अरे बारिश हो रही है, मतलब हमारे फेस में, हमारे बॉडी में बारिश हो रही है, मतलब ना पसीना, इतना पसीना बह रहा है कि वो बारिश के समान ही है। तो आई होप मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जो दिखता है वो एक्चुअली में होता है या नहीं वो मैं आज ट्राई करूँगी। मतलब पहली बार मैं फ्लिपकार्ट से कुछ दुपट्टा वगैरह मंगाई हूँ, तो ये है एक दुपट्टा ही दोस्तों। तो जैसे दिखता है वैसा है या नहीं पता नहीं। आई होप होना चाहिए। तो बंदेज दुपट्टा है दोस्तों, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बंदेज दुपट्टा है और काफ़ी सॉफ्ट है, प्योर कॉटन का है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी उसका जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊं इतना चौड़ा है। अब तो ये और भी फैलेगा और ये और भी लंबा होगा धोने के बाद, क्योंकि ये बंधेज है। तो बंधेज का जो जॉइंट्स के पास, जो मुंह के पास जो जॉइंट्स है वो थोड़ा श्रिंक किया हुआ है, लेकिन धोने के बाद ये आई थिंक धोने के बाद ये थोड़ा सा और फैलेगा। और इसका दाम लिया है दोस्तों, दाम कहाँ लिखा है, इसका दाम लिया था दोस्तों मेरे से 354 लिया था इसका दाम मुझसे। मतलब 2.5 मीटर का दुपट्टा, मतलब उससे भी सस्ते में था, लेकिन मुझे 2.5 मीटर का कपड़ा लेना था, 2.5 मीटर का दुपट्टा लेना था, काफ़ी बड़ा होता है। मेरा हाइट और हेल्थ दोनों ही ज़्यादा है, तो मेरे को छोटा दुपट्टा बिल्कुल नहीं सूट करेगा, इसलिए मैं ये वाला दुपट्टा आज मंगाया। तो मैं आज ये शाम को लेने वाली हूँ।
और अभी आप लोगों के सामने भी इसके साथ ही ब्लॉगिंग करूँगी। और एक पार्सल लाया है दोस्तों, ये मामाअर्थ का प्रोडक्ट है, इसका दाम है 538। पहले तो खोलती हूँ, मामाअर्थ का उपटन डे क्रीम है, मैंने डे क्रीम मंगाया है क्योंकि डे में लगाने के लिए काम आएगा। तो मामाअर्थ के ये डे क्रीम है दोस्तों, तो आप इसे भी लगा सकते हो और सनस्क्रीन को भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रीम बहुत बेटर है। मेरे पास इसका नाइट क्रीम भी है दोस्तों, मामाअर्थ का उपटन नाइट क्रीम बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मामाअर्थ का प्रोडक्ट सच में ऑथेंटिक, मतलब बहुत बहुत अच्छा है, मतलब क्या बताओ। मतलब इसका रिव्यू अगर मेरे को 5 मांगे तो मैं 5 ही दूंगी पूरा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट मैं कंटिन्यूस 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं आया है, उल्टा मेरे को रिजल्ट आया है। जैसे मैंने टूथपेस्ट यूज़ किया उसका भी फ्लेवर है, उसका जो बच्चे के लिए जो है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब टूथपेस्ट। उसके बाद मैंने उसका मास्क यूज़ किया, पैक यूज़ किया, उसके बाद मास्क तो एक ही है, और सोप यूज़ किया था एक बार, उसके बाद मैंने शैम्पू अभी यूज़ कर लिया, कंडीशनर यूज़ किया है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम यूज़ किया है, बहुत कुछ यूज़ किया है। तो अभी मैं ये डे क्रीम पहली, लेकिन ये उपटन का जो डे क्रीम है ये मैं पहली बार लगाऊंगी, इससे पहले मेरे पास विटामिन सी वाला था तो वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैंने ये मंगाया है। अब मेरे में सबसे बुराई क्या है पता है, कि मेरा जब वो सामान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं मंगाती हूँ, ये नहीं कि मैं पहले से स्टॉक करके रख लूँ और उसके बाद मंगाऊँ, ऐसा नहीं है मेरे में टेंडेंसी। मैं जब वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मंगाऊँगी, वो भी 2-3 दिन बाद, और वो सोचो पार्सल फ्लिपकार्ट से मंगाती तो वो भी 3-4 दिन लगा देते हैं। तो लेकिन ये फास्ट डिलीवरी था बहुत ज़्यादा ही, मैंने परसों ऑर्डर किया और आज मुझे मिल गया। तो ये है डे क्रीम दोस्तों SPF 30 के साथ, तो इसका रिज़ल्ट तो आप लोगों को मेरे को देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सच पूछो तो इसका जो रिज़ल्ट आने आएगा मुझे पता है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने आएगा। और क्योंकि इसका नाइट क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ और नाइट क्रीम भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी का वीडियो यहीं तक, उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ, कब मिलती हूँ नहीं पता, लेकिन मिलती हूँ। तो बाय। शाम हो गया है दोस्तों और मैं लगाने आ गई हूँ झाड़ू। ये है नीचे वाला रूम, ऊपर वाले रूम में मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, और नीचे वाले रूम में हम लोग शाम को सुबह तो और हमेशा जब मन तब झाड़ू लगा ही लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ आप लोगों के बीच और अभी बज गया है शाम का 5:45। और जैसे कि मैंने घर झाड़ू लगा लिया है, बिस्तर को भी टिप एंड टॉप करके रखा है और गर्म पानी चढ़ा दिया है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी गर्म पानी पी रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि आपकी दीदी ज्योति दीदी का तबीयत खराब है थोड़ा, तो मैं गरम पानी पी रही हूँ, बॉयल किया हुआ पानी पी रही हूँ, मतलब गरम नहीं, बॉयल करके उसको चील करके पी रही हूँ। और अभी मेरा फिलहाल कुछ काम ऐसा है नहीं, मम्मी आने के बाद ही हम लोगों का डिनर का प्लानिंग होगा कि क्या बना है। मम्मी आने के बाद मतलब मेरी मम्मी और मेरा बेटा और मेरे पापा तीनों गए थोड़ा घूमने के लिए, जाने के बाद था आज मेरा, लेकिन मेरा शरीर जो है वो साथ नहीं दिया, तो जिसकी वजह से मैं मम्मी को बोली मम्मी आप चले जाओ, मैं तो हमेशा जाती हूँ, आप आज बाबू को लेके जाओ, मेरा क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, इतना सर दर्द दे रहा है, गला तो दर्द दे ही रहा है और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो अभी मैं एक पैरासीटामोल खाऊंगी, पैरासीटामोल खाने के बाद ही मैं कुछ भी सोच कर बात सब कुछ कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे बिल्कुल भी मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। और गर्मी इतनी तेज पड़ी है, कि कुछ बोला नहीं जा सकते इस गर्मी के बारे में। बाहर में जो गरज रहे हैं बादल, लेकिन बरस नहीं रहे, तो गरज जो बादल गरजता वो बरसता नहीं है, आप लोगों को पता ही है, गरज रहा है लेकिन बरसेगा नहीं, मुझे पता है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, फिर अभी मेरा बेटा आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों के साथ क्या कर सकती हूँ मैं वो जरूर करूंगी। तब तक के लिए बाय।
हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच। और अभी बज रही है रात का 9:30। जैसे कि मैं अभी हाजमोला खा रही हूँ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और मेरा बेटा यहाँ बैठ के हेलो बोल रहा, बेटा तो बेटा भी हेलो बोल दिया है। तो हम लोगों ने मेरे बेटे ने और मैंने डिनर कर लिया है। तो डिनर में बहुत ही लाइट था, वैसे लाइट नहीं मतलब खाना ही था, लेकिन रोटी और चावल नहीं था। मेरे लिए मूढ़ी था, बूंदिया था और मिक्सर था, तीनों को मिक्स करके मैंने खाया। और बेटे ने खाया खीर। तो ऐसे हम दोनों डिनर हमारा यही रहा। और पापा गए थे किन्हीं के श्राद्ध में, मतलब मेरे पापा के दोस्त के भाई का श्राद्ध था, तो वह ब्राह्मण भोजन था, तो उसी में गए थे। कुटुंब भोजन था तो उसमें गए थे पापा, तो वहाँ से भोज खा के आए हैं। उसके बाद मम्मी भी खा लेगी, फिर सब कोई सो जाएंगे। और जैसे कि अभी मैं जल्दी आ गई क्योंकि कल बेटे का स्कूल है, तो स्कूल भेज रहे हैं, तो जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। इतना बुरा हाल है गर्मी का कि मत पूछो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर विराम दूंगी। कल मिलूंगी फिर मैं नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया स्पेशल लेके। तो आज का ब्लॉग में मुझे विदाई दो प्लीज। कल मिलती हूँ फिर आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू। और जो मेरे चैनल को नए देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू। और